तो व्हाट्सअप बडीज लास्ट वीडियो की तरह इस वाली वीडियो में भी मैं 10 ऐसी और मूवीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। तो बिना किसी ऑर्डर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली नंबर हमारे पास जो आता है लिस्ट में वो है नन अदर देन 1992 में आई क्लाइंट ईस्टवुड की मूवी अनफॉरगिवन। अब इस वाली मूवी के बारे में मैं सबसे पहले ये चीज़ कहूँगा, वेस्टर्न मूवीज़ और क्लाइंट ईस्टवुड इनका आपस में क्या कनेक्शन है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे, और ये वाली मूवी बिल्कुल उसी थीम पे बनाई गई है। आप लोगों ने अगर डॉलर ट्रिलॉजी देखी है उनकी तीनों मूवीज़, तो इस वाली मूवी की थीम भी उसी पर बेस है, हमें एक्टर भी वही देखने को मिल रहे हैं। मॉर्गन फ्रीमैन भी इस वाली मूवी में है। तो यस, इस वाली मूवी के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसी वेस्टर्न मूवीज़ पसंद हैं, वो वाली ट्रिलॉजी पसंद आई थी, तो ये वाली मूवी भी अच्छी लगेगी। इस वाली मूवी की स्टोरी भी एक आदमी पर है, कैसे वो रिटायरमेंट से वापस आके बुरे लोगों को मारता है कुछ अच्छे लोगों के लिए, तो ये जो हमें टिपिकल स्टोरी देखने को मिलती है। मगर यस, ये वाली मूवी अच्छी है, हमें जो इसमें वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न थीम होती है कॉबॉय वाली, वो इसमें बिल्कुल सूट करती है। क्लाइंट ईस्टवुड को दोबारा से देखना, इस ऐसे करैक्टर में देखना आप लोगों को दोबारा से नॉस्टैल्जिया वाली फील दिला सकता है। ऊपर से हमें जो ओवरऑल करैक्टर्स देखने को मिले, जो विलन देखने को मिला है, वो भी बिल्कुल टिपिकल इन्होंने वैसे थीम के बनाए गए हैं। तो यस, इस वाली मूवी को आप लोग इन्जॉय करेंगे। अगली मूवी जो हमारे पास आती है लिस्ट में वो है नन अदर देन 1992 में ही आई अ फ्यू गुड मैन। और जो ये वाली मूवी है, इस मूवी के बारे में भी मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये वाली मूवी है। हमें जो इसकी स्टोरी दिखाई जाती है, कैसे जो टॉम क्रूज का करैक्टर एक ऑफिसर होता है और वो जो है ना रिप्रेजेंट करता है एज अ रॉयल किसको, दो ऑफिसर्स को, और उन पर इल्ज़ाम होता है कि कैसे इन्होंने जो है ना किसी को मार दिया है इंटेंशनली या अन इंटेंशनली। हमें उसका पूरा जो है ना केस दिखाया जाता है कि कैसे ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है, हमें जिसमें सारे सिनेरियोस दिखाए गए हैं, बहुत ही अच्छी आप लोगों की वाली मूवी लगेगी। और ऊपर से हमें जो परफॉर्मेंस दिखाई गई है ना आउटस्टैंडिंग, हमें जो जैक निकल्सन का करैक्टर दिखाया गया, उनके जो डायलॉग्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इस वाली मूवी के। तो यस, आप लोगों को ऐसे रियल क्लासिक मूवीज़ होती है ना, लॉन्ग मूवीज़ पुराने 1990s के टाइम की, वो देखना पसंद है तो आप लोगों को ये वाली मूवी भी अच्छी लगेगी। लिस्ट में अगला नाम है बेलफास्ट का। नाउ दिस मूवी वॉज रिलीज इन 2021। कि जो ये वाली मूवी है ये सबके लिए नहीं है, मैं अगेन बोलूँगा, अगर आप लोगों को एक्शन मूवीज़ भी है जो सब कुछ ऐसे है ना एडवेंचर मूवी देखने का, थोड़ी सी आप लोगों को ये वाली मूवी तो बोरिंग लग सकती है। इस वाली मूवी की स्टोरी एज नाम से ही हमें पता लग रहा है इज़ अबाउट बेलफास्ट। हमें जो कैसे ये इंडिपेंडेंस, जब ये आप लोगों को पता होगा बेलफास्ट जो है नॉर्थ आइलैंड उसका कैपिटल है, तो हमें उसके बारे में दिखाया गया कैसे इसकी हिस्ट्री, ये एक रियल स्टेट कैसे बनी, ये एक अलग स्टेट कैसे बनी, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में सब कुछ रायोट्स वगैरह सारी चीज़ें होती थी, लोगों को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने थे, सफ़र फेस करना पड़ना था। तो इस वाली मूवी के बारे में मैं ये कहूँगा, सबसे पहले जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो हैं केनिथ ब्रेंगन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं। ओपनहाइमर में आप लोगों ने इनको देखा होगा। इस वाली मूवी को अगर आप पूरा देखेंगे ना, तो आप लोगों को पता लगेगा कि कैसे मतलब विजन से बनाई गई है वाली मूवी। एक डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वाली मूवी को देखें, आप लोगों को पता लगेगा कि एक एक सीन को काफ़ी अच्छी तरह से डायरेक्ट किया गया है, काफ़ी ब्यूटीफुल वे में डायरेक्ट किया गया। मतलब आप लोगों को ना विजन नज़र आएगा कि मगर जिस तरह से एक एक सीन को डायरेक्ट किया गया ना, जो ओवरऑल डायरेक्शन स्क्रीन पर है वो इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस वाली मूवी को आप आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। अगला नंबर है हमारे पास किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का, जो कि लास्ट ईयर 2023 में रिलीज हुई थी। आप लोगों को यहाँ पर इसका पूरा रिव्यू मिल जाएगा। इस मूवी के बारे में हम क्या ही बात करें, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की ये वाली मूवी, और टिपिकल जैसी उनकी मूवीज़ होती हैं वैसे ही मूवीज़ हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्क्रीन प्ले, काफ़ी ज़्यादा सुपर डायरेक्शन, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द कास्ट ऑल। अगेन पता लगता है कि कैसे एक रियल सिनेमा मूवी बनती है जिसको देखते हुए भी मज़ा आए, और हिस्ट्री से हम लोग, अगर आप लोगों को हिस्ट्री नहीं भी पता तो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। एक एक करेक्टर डिवेलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यस, अगर आप लोगों को देखनी एक ट्रू मूवी रियनार्डो डिकैप्रियो के आप लोग फ़ैन हैं, तो तब तो आप लोगों को ये वाली मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगला नंबर है हमारे पास 1973 में आई मेन स्ट्रीट्स का। अब जो ये वाली मूवी है, इस वाली मूवी एक टिपिकल एक गैंगस्टर टाइप स्ट्रीट मूवीज़ होती है ना, जैसे हम देखते हैं कि कैसे कुछ लड़के हैं उनको भी बस ऐसे गैंगस्टर बनने का शौक है स्ट्रीट में, बिल्कुल टिपिकल वैसी मूवी है। और इस वाली मूवी के बारे में मैं ये कहूँगा कि रॉबर्ट डी नीरो और स्कॉर्सेज़ी की हमें ये वाली मूवी देखने को मिल रही है, वन ऑफ देयर मैनी मूवीज़ है। और इस वाली मूवी में भी आप लोगों को बिल्कुल वही सब कुछ देखने को मिलेगा जो हम
ओल्ड 1970s 80s मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं गैंगस्टर वाइब्स आना। रॉबर्ट डिनेरो को आप लोग एक अलग करेक्टर में देखेंगे, कैसे एक थोड़ा पागल टाइप उसका करेक्टर है और हर किसी से ना वो मतलब इमेच्योर सा करेक्टर है और कैसे वो कैसी गैंगस्टर लाइफ में जो है अपने आप को फंसा देता है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी, आप लोग इन्जॉय करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ी गैंगस्टर टाइप मूवी देखनी है जिसमें थोड़ी फनी एलिमेंट भी हो तो ये वाली मूवी आप लोगों को अच्छी लगेगी। तब नेक्स्ट मूवी है हमारे पास रिजर्वियर डॉग्स, जो कि 1992 में आई थी। और जो ये वाली मूवी है, अगर तो आप लोगों ने देखी है पल्प फिक्शन, तो भाई साहब ये वाली मूवी उससे भी अच्छी होने वाली है। आप लोग ये बस देख लें, बिल्कुल हमें वही उसी थीम पे मतलब थीम से मुराद हमें जो ओवरऑल डायरेक्टर हैं, दोनों के सेम ही डायरेक्टर हैं क्वेंटिन टारांटिनो, उनके डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक ही तरह की लगती है। और इस वाली मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उससे ज़्यादा हमें जो सीन्स दिखाए गए हैं ना, मतलब क्वेंटिन टारांटिनो की यही बात है कि ऐसे करेक्टर्स को जिनको हम जानते भी नहीं है, ऐसे एक्टर जो हम पहली दफ़ा जिसको अगर आप लोग देख रहे हैं उनके पहले ही सीन से आप ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे ना जिस तरह के वो सीन्स दिखाते हैं। मतलब नंबर ए सीन होगा किसी और स्टोरी का, नंबर बी सीन होगा किसी और स्टोरी का। मतलब आपको एंड में जाके पता लगेगा कि यार ये जो पहले ए और बी सीन्स दिखाए थे इनका आपस में ये लिंक था। तो ये यहाँ पर जो है ना जो क्वेंटिन टारांटिनो है उनकी खास बात है कि वो इस हिसाब से सीन्स डायरेक्ट करते हैं। दोस्तों की ये वाली स्टोरी होती है कि कैसे उनको जो है ना एक जगह रोबरी वगैरह करनी होती है और वो कैसे उसके बाद उसमें नाकाम होते हैं या कामयाब होते हैं, इसके लिए आप लोगों को मूवी देखनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है। अगेन हम इसमें जो करेक्टर्स का इंटरेक्शन दिखाया गया कि कैसे वो आपस में बात कर रहे हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी हो गई, स्क्रीन प्ले हो गया, काफ़ी कुछ इस मूवी का ऑसम है और आप लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस वाली मूवी को। लिस्ट में अगला नंबर है हमारे पास द किलर का, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई थी। और ये वाली मूवी डेविड फिंचर की मूवी है और डेविड फिंचर की कोई मूवी है तो तब तो वो देखना बनता ही है। एक ये आप इसको कह लें हिटमैन टाइप मूवी है, एक आदमी पर है कि कैसे उसको कोई एक मिशन दिया जाता है किसी को ठोकने वगैरह का, और कैसे उसके बाद जब उसको पता लगता है कि कैसे इस मिशन का लिंक उसकी एक पर्सनल लाइफ से, उसके बाद ये वाली स्टोरी कैसे टर्न लेती है। इस मूवी के बारे में मैं ये बोलूँगा कि एक ये टिपिकल हिटमैन मूवी टाइप नहीं है, मगर फिर भी आप इसको इंजॉय करेंगे। थोड़ी स्लो पेस मूवी है, मगर ये वाली मूवी उनके लिए जिनको हिटमैन मूवीज़ पसंद हैं, लाइक ऐसे जो गन शॉट वगैरह जिसमें हमें कहते हैं ना बिल्कुल रॉ मूवी जिसमें हमें सही ब्लडी टाइप फाइट देखने को मिले, बिल्कुल वैसी मूवी है और ये, तब आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे इस वाली मूवी को। लिस्ट में हमारे पास अगला नंबर है 1977 में आई न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, यस ये एक मूवी का नाम है। और अगेन ये वन ऑफ मैनी मूवीज़ ऑफ मार्टिन स्कॉर्सेज़ी एंड रॉबर्ट डी नीरो। जो ये वाली मूवी है ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है ऑफ देयर बोथ ड्यूल, क्योंकि इस वाली मूवी की जो स्टोरी है ये बिल्कुल एक ऐसी म्यूजिकल टाइप फिल्म है, जो कि मुझे म्यूजिकल मूवीज़ अच्छी लगती हैं। और इसकी स्टोरी जो है ना कैसे हमें दिखाई गई है एक सैक्सोफोनिस्ट और एक सिंगर के दरमियान, कि कैसे हमें इन दोनों की जनरी देखने को मिलती है, ये दोनों दूसरों को मिलते हैं और कैसे हमें इनकी जो एक रोमांटिक जनरी दिखाई गई है। और एक म्यूजिकल मूवी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है, कोई एक टिपिकल लव स्टोरी टाइप मूवी नहीं है। हमें इसमें अच्छी स्टोरी भी देखने को मिल रही है, एक कैसे वॉल का वेटरन आता है और कैसे जो है ना वो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है। अगर आप लोगों को ऐसे कोई हॉलीडे टाइप, आप लोगों को ऐसे कोई वीकेंड के एंड में मूवी जो देखते हैं ना सबके साथ, तो ये वाली मूवी तब एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा हम इसमें अच्छा स्क्रीन पे देखने को मेरा करैक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाया गया रॉबर्ट डी नीरो का, और एक गुड टू वॉच मूवी है ये वाली। सेकंड लास्ट पे हमारे पास मूवी है मेलकम एक्स, विच वॉज रिलीज इन 1992। ये मूवी डेंजल वॉशिंगटन की है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ दिस जनरेशन, और एक रियल लाइफ आदमी पर बेस है। यस मेलकम एक्स जो है ना एक रियल लाइफ आदमी थे, एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, उस पर ये वाली मूवी बनाई गई है। और जो बायोपिक होती है, मैं यही कहता हूँ कि बायोपिक देखने के बाद अगर आप लोगों को उसकी सही परफेक्ट डिपिक्शन के साथ मूवी दिखाई गई और आप लोगों को उसके बाद पता लग जाए कि अच्छा यार इस मूवी में ये एक्चुअली में हुआ था, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी होती है। अगेन इस वाली मूवी भी बहुत ही ब्यूटीफुल ये वाली मूवी है। हमें जिस तरह से मेलकम एक्स का करैक्टर दिखाया गया है ना, मतलब जो सबसे पहले तो डेंजल वॉशिंगटन इस करैक्टर को पोर्ट्रे किया वो काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है, जो इनकी परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हमें जो इस करैक्टर को दिखाया गया ना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, कैसे इसकी लाइफ में हमें टर्न्स और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, कैसे जो है ना बिल्कुल एक
एक न्यू ही हम इसकी लाइफ देखने को मिल जाती है। इसको बहुत ही अच्छे वे में दिखाया गया है। आप लोग सुकून से ठीक ठाक बैठ के पॉपकॉर्न वगैरह लेके वाली मूवी देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। एक बहुत ही ज़्यादा क्लासिक गुड मूवी है। हमारे पास लिस्ट में जो फाइनल नंबर है वो है पास्ट लाइफ्स का, जो कि रिसेंटली 2023 में रिलीज़ हुई थी और विच वॉज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर। अब जो ये वाली मूवी है, इस मूवी की स्टोरी एक सिंपल स्टोरी है मगर एक काफ़ी ज़्यादा लाइफ लेसन हम इस वाली मूवी में मिलता है, इसलिए मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया है। कि बेसिकली इस मूवी की स्टोरी जो है ना, एक लड़का और एक लड़की के पे है। कैसे बचपन में जो है ना, जब जो लड़की होती है उसको ट्रैवल करना पड़ता है और काफ़ी सालों बाद जब वो आपस में मिलते हैं, जो गर्ल होती है उसकी जो है ना कहीं ऑलरेडी मैरिज हो चुकी होती है, और उसके बाद क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल अच्छी मूवी। अगर आप लोगों को रोमांटिक मूवीज़ पसंद हैं तो आप लोगों को ये वाली मूवी अच्छी लगेगी। हमें दिखाया गया है, मतलब एक मैसेज दिया गया है कि कैसे लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। हमेशा एक ही जगह जो है ना ज़िंदगी में अटका नहीं रहना चाहिए, वरना फिर वहीं लाइफ जो है ना डल हो जाती है। कैसे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये हमें ओवरऑल चीज़ें दिखाई गई इस वाली मूवी में। आप लोगों को ये वाली मूवी एक अच्छी लगेगी, अगेन एक गुड टू वॉच मूवी है। तो बस ओवरऑल वीडियो में यही था। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों ने इनमें से कौन कौन सी मूवी देखी है और आप लोगों की फेवरेट मूवी कौन सी है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।